हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू विल फाइन। DCEU की एंटी सुपर हीरो फिल्म ब्लैक एडम दुनिया भर के सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो गई है। एक्टर ड्वेन जॉनसन AKA द रॉक पहली बार किसी सुपर हीरो के रोल में दिखाई दिए हैं। ब्लैक एडम ऐसे सुपर हीरो है जो हीरो नहीं विलन है, आप इसे सुपर विलन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। द रॉक को एंटी हीरो के किरदार में देखकर दुनिया पागल हो गई है। MCU और DCEU में हमेशा पलड़ा भारी मार्वल्स का ही रहा है, इस बार भी DC ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों को MCU की फिल्में ज्यादा अच्छी लग रही हैं। फिल्म हॉलीवुड की है और बजट $1.6 बिलियन है, तो VFX और CGI में किसी चीज की कमी होने का सवाल पैदा नहीं होता। रही बात ब्लैक एडम की कहानी की, तो यह मल्टी स्टारर और ओरिजिनल स्टोरी का बैलेंस बनाने में सफल नहीं रही। ब्लैक एडम की कहानी कांदाक नाम के शहर से होती है, जहां एक ऐसी कीमती धातु है जिसे पाने के लिए विलेन लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। इस अटेरनियम धातु को पाने के लिए एक राजा कुछ लोगों को कांदाक भेजता है। टेड नाम का एक व्यक्ति अटेरनियम तक पहुंच भी जाता है, मगर राजा उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है। अटेरनियम हासिल करने के बाद टेड कांदाक का मसीहा तो बन जाता है, मगर उसके दुश्मन उसे जाल में फंसाकर कैद कर लेते हैं। टेड के कैद होने के 5000 साल बाद से नई कहानी शुरू होती है। अब कांदाक मॉडर्न शहर जैसा हो गया है, जहां विदेशी घुसपैठिए एक बार फिर से अटेरनियम हासिल करना चाहते हैं। इसी चक्कर में 5000 साल से सो रहा टेड वापस जाग जाता है, और इस बार वो किसी का हीरो नहीं बल्कि एंटी हीरो के रूप में सामने आता है। टेड ही ब्लैक एडम है। फिल्म की कहानी अच्छी है, मगर और भी अच्छी बनाई जा सकती थी। ब्लैक एडम का रोल करने वाले ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में भी वैसी ही एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने फास्ट और फ्यूरियस और जुमानजी में की है। फिल्म देखते वक्त आपको कई बार महसूस होता है कि ये सब जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। डायलॉग कम है और एक्शन ज्यादा, कहानी से ज्यादा फाइटिंग सीन्स हैं, जो कुछ समय बाद आपको बोर करने लगते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल ये है कि क्या ब्लैक एडम देखने लायक है। तो दोस्तों, फिल्म की असली कहानी और मल्टी स्टार को एक फ्रेम में दिखाने में कहीं ना कहीं ब्लैक एडम पीछे छूट जाती है। अगर आप इसकी तुलना थॉर लव एंड थंडर से करते हैं तो दोनों 19-20 है, मतलब फिल्म के बीच आपको थोड़ा बोरियत होती है। तो एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। आपकी इस मूवी को लेकर क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।